मेरा नाम नियाज़ मोहम्मद आशिक ज़ैह, मेरा ताल्लुक किलाबला से। ये किलाबला का एक तारीखी रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था। ये तकरीबन 1890 में एक कोरक टनल बना था, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर स्टेशन बनाए थे। लेकिन ये वाहिद स्टेशन है कि अभी तबाही के दाने इस पर नामला है। पहले 5 साल पहले यहाँ पर रेलगाड़ी जो थी वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलती थी, मगर 5 साल से वो गए। अभी रेलगाड़ी जो है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। ये रेलवे स्टेशन का हालत है। उस वक्त पहले जब ये रोज़ाना चलती थी तो यहाँ से लोग कभी चीज सामान ले जाते चमन फरोख करने या कोयटा ले जाते थे, इस पर इन लोगों का रोज़गार चल रहा था। लेकिन जब से रेलवे तातुल का शिकार हो गया, इन लोगों का भी रोज़गार का सिस्टम ख़त्म हो गया और रेलवे स्टेशन भी जो अभी हुकूमती आदम तवज्जो के बायस तबाही के दाने पर पहुँच रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे क्वार्टर्स हैं ये अभी ऑफिस का आला तजार देखे बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, और ना इन पर कभी किसी भी हुकूमत में इस पर तवज्जो दी गई है। यहाँ पर हमला भी नहीं होता है, कभी जब रेलगाड़ी है इसका हमला मौजूद है, क्योंकि इन लोगों का यह रेलवे स्टेशन का हिफाजत भी नहीं हो रहा है, ना इस पर चारदीवारी है ना कोई इसका वो सिक्योरिटी है। इस वजह से ये अभी मुकम्मल तबाही के दाने पर है कि और एक तारीखी विरसा भी है। अगर इस पर तवज्जो दिया गया तो इंशाल्लाह यहाँ पर कारोबार के रोज़गार के मौके भी है, क्योंकि यहाँ पर से ज़्यादातर यहाँ का इंसार जो है वो ज़रात पर है। चमन भी है, लोग यहाँ से वो ले जाते हैं वहाँ पर फरोख करने के लिए सब्जी और फल वगैरह, और कोयटा भी ले जाते हैं क्योंकि रोड रोज़ाना बंद होता है इत्तेजाज की वजह से। तो इस वजह से हम वो रेलवे खान से अपील करते हैं कि किलाबला के रेलवे स्टेशन पर तवज्जो दिया जाए और उसको अपनी असलालत में बहाल किया जाए।